सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम मुस्कान। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो या आई एम बैक विथ अनदर कॉन्टेंट वीडियो एंड दिस इज अबाउट हाउ आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल एंड वॉट आई फेस द प्रॉब्लम इन दिस। सो अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जाना और शेयर करना ना भूलना, और कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस टाइप का। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ये वीडियो कैसा बन रहा है और मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। सो मैनेज कर लेना जैसी भी आए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ डांस यूट्यूबर और मैं अपने चैनल पे डांस वीडियोस अपलोड करती हूँ। और अगर आपको डांस वीडियोस के, मेरे डांस वीडियोस के ट्यूटोरियल्स चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और क्या प्रॉब्लम्स आई या जो भी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जून मंथ से, 2022 जून मंथ। सो मैंने जून मंथ में एक चैनल ओपन किया जिसका नाम था द स्माइल्स ब्यूटीज, एंड उस पर मैं डांस वीडियोज़ नहीं, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी और अपलोड करती थी। तो मेरे को भी मतलब पहले बहुत इंटरेस्ट था ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाना और अपनी स्किन केयर रूटीन को शेयर करना या जो भी हो ब्यूटी से रिलेटेड। तो मैं उस पर यही सब बताती थी और मेकअप वीडियोज़ बनाती थी, क्योंकि मेरे को मेकअप करना बहुत पसंद है। और बट वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे को बहुत फिर बाद में बोरिंग लगने लगा। और जैसे मैं स्क्रिप्ट लिखती थी, फिर उसके बाद मैं बनाती थी वीडियो, उसके बाद मैं उसको एडिट करती थी, फिर अपलोड करती थी, फिर पता नहीं क्या क्या क्या। सो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया उस पर, तो मैंने ऐसे ही 10-15 वीडियोज़ बनाए और फिर मैंने छोड़ दिया ऐसे ही कि हाँ जाओ बाहर में जाओ। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही मतलब मंथ बीतते गए, फिर आया सेप्टेम्बर मंथ जिसमें टीचर्स डे था, और टीचर्स डे में मैंने स्कूल में डांस परफॉर्मेंस किया जो कि बहुत अच्छा डांस हुआ था। और सो मुझे सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे डांस पे, और मेरे टीचर्स ने, मेरे जूनियर्स ने, सारे लोगों ने तारीफ़ की मेरी, मेरे डांस की। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन, और मैं फिर ऐसे ही मतलब डांस करती गई। मतलब मेरे को क्लास 8 से ही डांस बहुत पसंद था। क्लास मैं ऐसे ही डांस करती थी घर में ही, मतलब मेरे को कोई मतलब उतना नहीं कोई समझाने वाला था कि हाँ डांस यूट्यूब चैनल खोलो या कुछ भी करो। सो मेरे को बाद में अकल आई। सो फिर आता है अक्टूबर मंथ जिसमें मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, और वो टाइम था दिवाली का। दिवाली के एक दिन बाद मैंने एक डांस वीडियो अपलोड किया। ऐसे ही मैं दिवाली के एक दिन बाद मैं ऐसे ही वीडियोस स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे, तो मेरे को एक डांस वीडियो दिखा और मैंने उस पर टैग किया। और मैंने सोचा कि ये लोग भी तो मतलब इतना मेहनत करते हैं और इतने फेमस हो गए हैं मतलब डांस वीडियो से ही, तो मैंने सोचा मेरे को भी स्टार्ट करना चाहिए डांस वीडियोज़ बनाना। मैं उसी टाइम फिर मैं रेडी हुई, और फिर मैं अपना ट्राईपॉड और फ़ोन लेके छत पे गई। फिर उसके बाद मैंने डांस वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर मैं डांस वीडियो रिकॉर्ड करके उसके बाद एडिट किया, उसके बाद अपलोड किया। फिर मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ये वीडियो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा। तो मैंने अगले दिन देखा तो मेरे वीडियो पे 500+ व्यूज़ आए थे, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। फिर मैंने सोचा चलो और वीडियो बनाते हैं। सो उसके बाद मैंने एक वीडियो फिर अपलोड किया, वो सॉन्ग था कुसु कुसु सॉन्ग था। तो उस पर मतलब बहुत अच्छा मेरे को रीच मिला, 1K+ व्यूज़ आए थे उस पर। तो मेरे को और ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ मेरी वीडियोस मतलब इतने, मैं फेमस हो रही। तो मैं गई, फिर मम्मी को दिखाई, सबको बताई मेरे वीडियोस पे देखो कितने अच्छे रीच आ रहे हैं या जो भी हो। मैं इसलिए खुश थी कि मेरे वीडियो को सब देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर 0 से मतलब 10-15 या 15-25 हो गए थे उस टाइम जब मेरा जो कुसु कुसु सॉन्ग था वो मतलब ग्रो होना स्टार्ट हुआ, तो 25 से मतलब ज़्यादा ही हो गए थे। तो मतलब एक ही दिन में ज़्यादा ही सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे। तो उसके बाद मैंने सोचा इसी को कंटिन्यू करते हैं और अपना चैनल ग्रो करते हैं। तो मैंने अपना टैलेंट दिखाना स्टार्ट किया, और आज मैं इतने बड़े क्या अभी, हाँ मेरे लिए तो बड़े ही हो, तो इतने बड़े फैमिली के साथ हूँ। सो फिर आता है जनवरी मंथ, और मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी मेरे को सेटअप करना है डांस वीडियोस के लिए। तो मम्मी ने बोला कैसे, कहाँ, क्या? तो मैंने बोला कि अरे आप परेशान नहीं हो, मेरे पास पैसे हैं और मैंने कलेक्ट करके खुद रखा था अपने लिए, मतलब जो भी हो मेरे को पता था कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो मैं मम्मी से बोली मैं पैसे रखी हूँ, आप टेंशन नहीं लो। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया कर्टेन। सो मेरी मम्मी मेरे साथ गई उसी ठंड में, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी मम्मी ने मेरा साथ बहुत दिया है।
और मेरी मम्मी गई मेरे साथ वो रॉड के लिए, जो पर्दे के रॉड होते हैं ना वो लगवाने के लिए, तो एक भैया से बोला तो उन्होंने आके लगाया। तो मतलब मैंने वहीं से फिर यहाँ पे अपने सेटअप के आगे मैंने डांस वीडियो बनाना स्टार्ट किया। सो मेरी मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया है और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड को कि मुझे ऐसी मम्मी मिली सपोर्ट करने वाली। और मम्मी नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, और मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो या सो मैं आज उन्हीं की वजह से और आप लोगों की वजह से यहाँ पे हूँ, और मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना। और मेरे 1.5K+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। जल्दी से 10K करो, 100K करो, 1 मिलियन करो। सो या ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सो ये थी मेरी यूट्यूब जर्नी, कैसे मैंने स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम्स आई और जो भी हो। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो, मेरी बकवास या जो भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके जाना, और शेयर करना ना भूलना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और मेरी वॉइस कैसी आ रही है, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है, जब मैं एडिट करूंगी तभी देखूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।